माध्यमथी જોડાઈ ચૂક્યા છે। नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के निर्माण के स्वप्न शिल्पी प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। अने हवे आ कार्यक्रम में आगळ वधता गुजरात की गति प्रगति उन्नति ना सबल सक्षम वाहक गुजरात की विकास यात्रा ना पथदर्शक माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने आयो आमंत्रित करिए स्वागत प्रवचन माटे आपना मार्गदर्शन माटे। प्राचीन संस्कृति तथा उत्तम नगर रचना धरावता लोथल खाते निर्माण पामनार नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स नी समीक्षा में अपनी सौनी साथे वर्चुअल माध्यम थी उपस्थित दूरमदेशी नेतृत्व अने सर्वांगी विकास ना पर्याय एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहेब, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया, श्री सर्वानंद सोनेवाल जी मारी साथे मंच पर उपस्थित, केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद नाइक जी, श्री देवूसिंह चौहान पूर्व मंत्री तथा अमारा वडील मुरब्बी श्री भूपेन्द्र सिंह चुड़ासमा, जिला भाजपना अध्यक्ष हर्षदगिरी गोस्वामी, मंचस्थ सौ महानुभाव, उपस्थित सौ अधिकारीगण, विशाल संख्या में उपस्थित नागरिक भाईओ बहनों, सौ ने मैं प्रेस मीडिया ना मित्रों सौने मारा नमस्कार। साथियों, भारत देश आजादी ना 75 वर्ष पूरा करीने अमृत काल में प्रवेश्यो छे त्यारे वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी देश ने 5 संकल्पों आप्या छे। एमानो एक संकल्प अपनी प्राचीन विरासतों पर गर्व करवानो छे। आपणे अपनी धरोहर नु जतन संवर्धन करवा साथे એની પ્રતિષ્ઠા પણ વધારવાની છે। આ લોથલ તો ગુજરાત અને દેશની સૌથી પ્રાચીન વિરાસતોમાંની એક છે। ગુજરાતના મેરીટાઈમ ક્ષેત્રના ભૂતકાળની ગવાહી આપતી ભવ્ય ધરોહર છે। હજારો વર્ષ પહેલા દૂર દૂરના દેશો ગુજરાતના આ લોથલના દ્વારેથી ભારત સાથે વેપારી સંબંધ ધરાવતા હતા। આજે પણ દેશના ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ માટે ગુજરાત ભારતના प्रवेश द्वार जेवी भूमिका भजवे छे। तेना मूळ हजारो वर्ष जूना छे अने तेनो जीवतो पुरावो लोथलनो आ प्राचीन खजानो छे। आवा ऐतिहासिक स्थळे आश्रे 3500 करोड़ रूपियाना खर्चे नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आदरणीय वडाप्रधानशीना मार्गदर्शनमां आकार पामी रह्युं छे। आ प्रोजेक्टनी प्रगति अंगे आजे आपणने आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी नु मार्गदर्शन पण मळवानुं छे। अहीं समग्र कॉम्प्लेक्स नु कार्य बे तबक्कामां थवानुं छे, जेमां भारतीय नौकादळ माटेनी गैलेरी अने लाइट हाउस सहितना प्रकल्पो पहला तबक्कामां ₹774 करोड़ना खर्चे तैयार थशे। बीजा तबक्कामां लोथल सिटी, इको रिसोर्ट, मेरीटाइम पार्क, क्लाइमेट चेन्ज थीम पार्क सहितना प्रकल्पो पूरा करवामां आवशे। आ महीना वैविध्यसभर प्रकल्पो लोकोने भारतनी मेरीटाइम हिस्ट्री थी माहितगार करशे। गुजरात सरकारना प्रोजेक्टना विकासमां महत्वपूर्ण योगदान आपी रही छे। स्टेट हाईवे थी मेरीटाइम कॉम्प्लेक्स सुधीनो 12 किलोमीटर लांबो फोर लेन रोड तेमज वीजळी अने पाणीनो अविरत पुरवठो आपवा राज्य सरकार कटिबद्ध छे। आ कॉम्प्लेक्स बनी गया बाद हजारो मुलाकातीओ અહીં મુલાકાતે આવશે। મુલાકાતીઓ આ કેન્દ્ર હોલિસ્ટિક મેરીટાઈમ એક્સપિરિયન્સ પણ આપશે। આ મેરીટાઈમ કોમ્પ્લેક્સ ભારતના પ્રાચીન વારસાનું ગૌરવ વધારશે તેવા વિશ્વાસ સાથે આપ સૌનું સ્વાગત કરી વિરમું છું। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો। ઓર અબ આઈએ इस प्रोजेक्ट के बारे में अवगत करवाती यह फिल्म देखते हैं ऑडियो विजुअल के माध्यम से। भारत जिसे 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सौगात प्राप्त है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात के लोथल में ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में पत्तन
पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी NMHC का निर्माण किया जा रहा है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला परिसर है जिसमें भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। लोथल में दुनिया में नाम कमा सके ऐसा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसे एक पहचान बनाई है, ये लोथल का मैरीटाइम म्यूजियम भी बनाएगा। म्यूजियम के केंद्र में स्थित लोथल का मिनी रिक्रिएशन पानी से घिरा हुआ है। ये हड़प्पा बस्तियों के प्राचीन घरों, गलियों और बाजारों की रूपरेखा होगी जो आगंतुकों को हड़प्पा शहर के जीवन से रूबरू कराएगी। NMHC प्रोजेक्ट्स में 4 थीम पार्क प्लान किए गए जिनमें स्मारकों का थीम पार्क, समुद्री और नौसेना थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क, एडवेंचर और अम्यूजमेंट थीम पार्क शामिल हैं। 77 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान आइकॉनिक लाइट हाउस म्यूजियम दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम होगा। कोस्टल स्टेट्स पवेलियन स्थानीय फूड, आर्ट्स और कल्चर को एक साथ लाए। NMHC म्यूजियम थीम वाले होटल और मैरिटाइम थीम वाले इको रिसोर्ट के साथ मेहमान नवाजी का बेजोड़ विकल्प प्रदान करता है। बेहतर जलमार्ग कनेक्टिविटी के साथ पर्यटक अपने होटल से यात्रा करने के अलावा म्यूजियम में विभिन्न गतिविधियों और सेंट्रल कोर्टयार्ड में साउंड एंड लाइट शो का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस म्यूजियम में 2 चरणों में कुल 14 गैलरीज बनाई जाएंगी जो हड़प्पा युग से लेकर आज के आधुनिक समय तक के उदय और पराक्रम की गाथाएं दर्शाएंगे। गैलरी 1 अनुकूलता और महासागरीय पौराणिक कथाएं, पानी में होने का एहसास। यहां मिलेगा समुद्री इतिहास और विज्ञान की अनोखी सैर का आनंद, अनूठे डोम थिएटर का मजा और महासागरीय पौराणिक कथाएं कहने वाले VR का नयापन। गैलरी 2 हड़प्पावासी पथ प्रदर्शक नाविक, मौजूदा इंट्रोडक्शन वीडियो और टाइमलाइन मिनी फ्लाइंग थिएटर अनुभव की शुरुआत की जाती है जो आगंतुकों को समय के साथ यात्रा कराती है। सभी मनोरंजक सुविधाओं से परिपूर्ण इस लोथल टाउन में बेहतरीन कार्यशालाएं, बेहतर सड़कें, भव्य इमारतें, कामकाजी डॉक, जहाज और व्यापार संबंधी विभिन्न इंटरैक्टिव सुविधाएं मौजूद होंगी। गैलरी 3 हड़प्पा के बाद की ट्रेजेक्टरी और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, हड़प्पा युग के बाद की जिंदगी दर्शाने वाली अनूठी प्रदर्शनी। ये गैलरी मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति, लोहे के प्रयोग, संस्कृति और व्यापार के बढ़ते दायरों और महाजनपद काल में लिखे नुस्खों की जानकारी प्रदान करेगी। गैलरी 4 ग्रीको रोमन दुनिया के साथ भारत का संपर्क, ये गैलरी ग्रीको रोमन मारुयांग पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों की यथार्थवादी कहानी कहती है जहां उनके स्मारकों और शहर के दृश्यों का चित्रण 3D म्यूरल वॉल ट्रीटमेंट में किया गया है। ये गैलरी समुद्री गतिविधियों को दर्शाने वाले व्यापार, जीवन शैली और डॉक के बारे में जानकारी प्रदान करती है। नेवी गैलरी, ये गैलरी नौसेना और तटरक्षक बलों की साहसिक और वीर गाथा के प्रति समर्पित है। इस विशेष जगह पर आगंतुक नो योर नेवी नामक एक दमदार नाट्य शो का हिस्सा बनकर भारतीय नौसेना की शक्तियों से रूबरू होते हैं। बेहतरीन अनुभव के लिए यहाँ लाइफ अबोर्ड अ नेवल वेसल है जो डिस्ट्रॉयर और सबमरीन के बारे में कभी न मिलने वाला तजुर्बा देता है। साथ ही अनोखे अनुभव के लिए VR पॉड्स और नौसेना के जहाजों के अनुसार थीम वाले इंटरैक्टिव आर्केड स्टाइल गेमिंग जोन भी मौजूद है। भारतीय तटरक्षक बल के जीवन को उजागर करने के लिए इंटरैक्टिव टाइमलाइन और वीडियो के साथ एक विशेष क्षेत्र नामित किया गया है। वहीं समापन क्षेत्र वीडियो और मल्टीमीडिया मूर्तियों के जरिए नौसेना और तटरक्षक समुदाय को सलामी और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाना और गर्व से देश सेवा में जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। वर्तमान में 3.5 लाख क्यूबिक मीटर का 100% मिट्टी का काम और 3200 मीटर बाउंड्री फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। लगभग 1200 ढेर लगाने के साथ पाइल कैपिंग का कार्य प्रगति पर है। 10 लाख लीटर क्षमता के साथ पानी की टंकियों का निर्माण और जल आपूर्ति का 90% कार्य पूरा हो चुका है। जिस तरह केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
आज देश और विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो रहा है। उसी तरह आने वाले समय में NMHC प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाने के साथ स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय सृजन तथा सतत विकास में योगदान देगी। NMHC दुनिया की संपूर्ण तटीय विरासत को एक स्थान पर प्रदर्शित, संरक्षित और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। अद्वितीय, ऐतिहासिक और स्थानिक संदर्भ में अपना स्थान बनाने में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर खरा उतरता है, क्योंकि लोथल दुनिया के सबसे प्राचीन डॉकयार्ड टाउन में से एक है, जो महत्वाकांक्षी पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में NMHC एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी की दूरंदेशी नेतृत्व, सेवा, सुशासन और भगीरथ प्रयास के महायज्ञ से आज अर्जित हो रहा है भारत का अविरत सर्वांगीण विकास। आइए अनेक अनेक तालियों के हर्षनाद से हम आमंत्रित करें न्यू इंडिया के स्वप्न दृष्टा, जन जन के उत्थान के लिए समर्पित और संकल्पबद्ध भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आपके मार्गदर्शन के लिए। नमस्कार। आप सभी ऐतिहासिक और विश्व धरोहर लोथल में प्रत्यक्ष मौजूद हैं। मैं तकनीक के माध्यम से दूर दिल्ली से आपसे जुड़ा हूं, लेकिन मन मस्तिष्क में ये लग रहा है कि जैसे मैं वहां आप सबके बीच में ही हूं। अभी अभी मैंने ड्रोन से नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में से जुड़े कामों को देखा है, उनकी प्रगति की समीक्षा भी की है। मुझे संतोष है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ा काम तेजी से चल रहा है। साथियों, इस वर्ष लाल किले से पंच प्राणों की चर्चा करते हुए मैंने अपनी विरासत पर गर्व की बात कही थी, और अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने भी उस बात का जिक्र किया। हमारी समुद्री विरासत हमारे पूर्वजों की सौंपी गई ऐसी एक महान धरोहर है। किसी भी स्थान या समय का इतिहास आने वाली पीढ़ी को प्रेरित भी करता है और हमें भविष्य के लिए सचेत भी करता है। हमारे इतिहास की ऐसी अनेक गाथाएं हैं जिन्हें भुला दिया गया, उन्हें सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के रास्ते नहीं खोजे गए। इतिहास की उन घटनाओं से हम कितना कुछ सीख सकते थे। भारत की समुद्री विरासत भी ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की गई है। सदियों पहले के भारत का व्यापार कारोबार दुनिया के एक बड़े हिस्से में छाया हुआ था। हमारे रिश्ते दुनिया की हर सभ्यता के साथ रहे, तो इसके पीछे भारत की समुद्री शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड ने ना सिर्फ भारत के इस सामर्थ्य को तोड़ा, बल्कि समय के साथ हम भारतीय अपने इस सामर्थ्य के प्रति उदासीन भी होते गए। हम भूल गए
कि हमारे पास लोथल और धोलावीरा जैसी महान धरोहरें हैं जो हजारों वर्ष पहले भी समुद्री व्यापार के लिए मशहूर थी। हमारे दक्षिण में चोल साम्राज्य, चेर राजवंश, पांड्य राजवंश भी, जिन्होंने समुद्री संसाधनों की शक्ति को समझा और उसे एक अभूतपूर्व ऊंचाई दी। उन्होंने ना सिर्फ अपनी समुद्री शक्ति का विस्तार किया बल्कि इसकी मदद से दूर सुदूर के देशों तक व्यापार को ले जाने में भी सफल रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी एक सशक्त नौसेना का गठन किया और विदेशी आक्रांताओं को चुनौती दी। ये सब कुछ भारत के इतिहास का ऐसा गौरवपूर्ण अध्याय है जिसे नजरअंदाज ही कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, हजारों वर्ष पहले कच्छ में बड़े बड़े समुद्री जहाजों के निर्माण का पूरा उद्योग चला करता था। भारत में बने पानी के बड़े बड़े जहाज दुनिया भर में बेचे जाते थे। विरासत के प्रति इस उदासीनता ने देश का बहुत नुकसान किया। यह स्थिति बदलनी जरूरी है, इसलिए हमने तय किया कि धोलावीरा और लोथल को, भारत के गौरव के इन सेंटर्स को, हम उसी रूप में लौटाएंगे जिसके लिए कभी ये मशहूर थे। और आज हम उस मिशन पर तेजी से काम होते देख रहे हैं। साथियों, आज जब मैं लोथल की चर्चा कर रहा हूं तो मुझे हजारों साल से चली आ रही परंपराओं का भी ध्यान आ रहा है। आज गुजरात के कई इलाकों में सिकोतर माता की पूजा की जाती है। उन्हें समुद्र की देवी मानकर पूजा जाता है। हजारों वर्ष पूर्व के लोथल पर रिसर्च करने वाले जानकारों का मानना है कि उस समय भी सिकोतर माता को किसी न किसी रूप में पूजा जाता था। कहते हैं, समुद्र में आने से पहले सिकोतर देवी की पूजा की जाती थी ताकि वो यात्रा में उनकी रक्षा करें। इतिहासकारों के मुताबिक सिकोतर माता का संबंध सोकोत्रा द्वीप से है जो आज अदन की खाड़ी में है। इससे पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले भी खंभात की खाड़ी से दूर दूर तक समुद्री व्यापार के रास्ते खुले हुए थे। साथियों, हाल ही में वडनगर के पास भी खुदाई के दौरान सिकोतर माता के मंदिर का पता चला है। कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिनसे प्राचीन काल में यहां से समुद्री व्यापार होने की जानकारी मिलती है। इसी तरह सुरेंद्र नगर के झिंझुवाड़ा गांव में लाइट हाउस होने के साक्ष्य मिले हैं। आप भी जानते हैं कि लाइट हाउस जहाजों को रात में रास्ता दिखाने के लिए बनाए जाते थे और देश के लोग ये सुनकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि झिंझुवाड़ा गांव से समुद्र करीब करीब 100 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस गांव में ऐसे अनेक साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि सदियों पहले इस गांव में बहुत व्यस्त पोर्ट हुआ करता था। इससे इस पूरे क्षेत्र में
प्राचीन काल से ही समुद्री व्यापार के समृद्ध होने की जानकारी मिलती है। साथियों, लोथल सिर्फ सिंधु घाटी मान्यता का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र ही नहीं था, बल्कि ये भारत के सामुद्रिक सामर्थ्य और समृद्धि का भी प्रतीक था। हजारों साल पहले लोथल को जिस तरीके से एक पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया था, वो आज भी बड़े बड़े जानकारों को हैरान कर देता है। लोथल की खुदाई में मिले शहर, बाजार और बंदरगाह के अवशेष उस दौर में हुई अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के अद्भुत दर्शन कराते हैं। प्राकृतिक चुनौतियों से निपटने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था यहां थी, उसमें आज की प्लानिंग के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है। साथियों, एक तरह से इस क्षेत्र को देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त था। अनेकों देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों की वजह से यहां धन वर्षा भी होती थी। कहते हैं कि लोथल के पोर्ट पर उस समय 84 देशों के झंडे फहराया करते थे। इसी तरह पासी के वल्लभी विश्वविद्यालय में दुनिया के 80 से ज्यादा देशों का छात्र वहां पढ़ने के लिए आते थे। 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आए चीनी दार्शनिकों ने भी लिखा है कि तब वल्लभी विश्वविद्यालय में 6000 से ज्यादा छात्र थे। यानी देवी सरस्वती की कृपा भी इस क्षेत्र पर बनी हुई थी। साथियों, लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके, समझ सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है। हजारों वर्ष पहले का वही वैभव, वही सामर्थ्य इस धरती पर फिर जागृत किया जा रहा है। मुझे विश्वास है ये दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स को एक दिन में हजारों पर्यटकों के स्वागत के लिए विकसित किया जा रहा है। जैसे एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हर रोज पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड बन रहा है, वैसे ही वो दिन दूर नहीं जब देश के कोने कोने से लोथल में लोग इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को देखने आएंगे। इससे यहां रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर बढ़ेंगे। इस क्षेत्र को इस बात का भी लाभ मिलेगा कि ये अहमदाबाद से बहुत दूर नहीं है। भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों से यहां आएंगे, यहां के टूरिज्म को बढ़ाएंगे। साथियों, इस क्षेत्र ने जितने कठिनाई भरे दिन देखे हैं, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। एक समय में समंदर का विस्तार यहां तक था, इसलिए बहुत बड़े इलाके में कुछ भी फसल पैदा करना मुश्किल था। 20-25 साल पहले लोगों ने तो यहां वो दिन देखे हैं कि जरूरत पड़ने पर सैकड़ों एकड़ जमीन के बदले भी कोई कर्ज नहीं देता था। कर्ज देने वाला भी कहता था कि जमीन का मैं क्या करूंगा, जमीन से कोई लाभ तो होगा नहीं।
उस दौर से लोथल और इस पूरे क्षेत्र को आज हम बाहर निकाल कर लाए हैं। और साथियों, लोथल और इस क्षेत्र का पुराना गौरव लौटाने के लिए हमारा फोकस सिर्फ हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तक ही सीमित नहीं है। आज गुजरात ने तटीय इलाकों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने काम हो रहे हैं, तटीय इलाकों में विभिन्न उद्योगों की स्थापना हो रही है, इन परियोजनाओं पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब सेमीकंडक्टर प्लांट भी यहां के गौरव को और बढ़ाएगा। हजारों वर्ष पहले लोथल और उसके आसपास का इलाका जितना विकसित था, वैसे ही इस क्षेत्र को फिर से विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है। जो लोथल अपने इतिहास की वजह से हमें गर्व से भरता है, वही लोथल अब आने वाली पीढ़ियों का भविष्य को भी बनाएगा। साथियों, एक म्यूजियम सिर्फ चीजों या दस्तावेजों को संग्रहित करके रखने और दिखने पर भी का माध्यम नहीं होता। जब हम अपनी विरासत को संजोते हैं तो उसके साथ साथ उससे जुड़ी भावनाएं भी संरक्षित कर लेते हैं। जब हम देश भर में बन रहे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को देखते हैं तो पता चलता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे वीर आदिवासी नायक नायिकाओं का कितना बड़ा योगदान था। जब हम नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल को देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि देश की रक्षा के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए कैसे हमारे वीर बेटे बेटियां अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। जब हम प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखते हैं तो हमें लोकतंत्र की शक्ति का पता चलता है, हमारे देश की 75 वर्षों की यात्रा की झलक मिलती है। केवड़िया एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें भारत की एकता और अखंडता के लिए हुए प्रयासों, तप और तपस्या की याद दिलाती है। और आप सबको पता है, एक बहुत बड़ा रिसर्च का काम चल रहा है, अब केवड़िया में सरदार पटेल स्टैच्यू जैसे बन रहा है, क्योंकि सरदार साहब ने राजे रजवाड़े सब इकट्ठे करने का काम किया। तो वहीं पर जो राजे रजवाड़े देश के, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने राज शासन दे दिए, उनका भी एक म्यूजियम हम बना रहे हैं। अभी उसका डिजाइनिंग काम चल रहा है, रिसर्च का काम चल रहा है। उसके कारण पहले राजे रजवाड़े कैसे हुआ करते थे, क्या क्या करते थे, कितना बड़ा देश समाज का भला करने का काम किया था, और उसी को सरदार साहब के नेतृत्व में देश की एकता के लिए कैसे, यानी पूरा चक्र एकता नगर में कोई जाएगा तो राजे रजवाड़े से लेकर के सरदार साहब तक की यात्रा में किस प्रकार के भारत का एकीकरण हुआ, वो काम वहां हो रहा है और रिसर्च का काम चल रहा है, निकट भविष्य में निर्माण कार्य भी शुरू होगा। बीते 8 वर्षों में हमने ये जो धरोहरें देश में विकसित की है, इससे भी पता चलता है कि हमारी विरासत का विस्तार कितना बड़ा है। मुझे विश्वास है, लोथल में बन रहा नेशनल मैरिटाइम म्यूजियम भी सभी भारतीयों को अपनी समुद्री विरासत को लेकर गर्व से भर देगा। लोथल अपने पुराने वैभव के साथ फिर दुनिया के सामने आएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अने यहाँ लोथल में आटला बधा भाईओ बहनो बैठा छे, तो हवे दिवाळी सामे आवी रही छे, ये तमने बधाने आवनारा दिवसना दिवाळीना पण खूब खूब शुभेच्छाओ। अने गुजरात में तो नवू वर्ष पण आवे, तो तमने नवा वर्ष पण खूब खूब शुभकामनाओ, खूब खूब धन्यवाद बधाना।